आज डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में। जो लेथ मशीन है वह कौन कौन से पार्ट की बनी होती है और वो जो पार्ट हैं वो क्या क्या काम करते हैं। आज सारी लेथ मशीन के पार्ट्स के कंस्ट्रक्शन और उसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेथ मशीन की लेग्स होती हैं, जो सबसे बॉटम का पोर्शन है, जो हमारे नीचे फ्लोर के साथ कनेक्ट होती हैं, बोल्टेड होती हैं। ये जो लेग्स है ये कास्टिंग के थ्रू बनाई जाती हैं और ये कास्ट आयरन की बनी होती हैं, क्योंकि जो कास्ट आयरन है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी और गुड वियर रेजिस्टेंस होता है, तो हम इसको कास्ट आयरन के साथ कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं। इन लेग्स के ऊपर पूरा वेट लेथ मशीन का होता है, तो जो ये लेग्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं हमारी लेथ मशीन का। ये लेग्स इस तरह से कास्ट आयरन के साथ बनाई जाती हैं ताकि टोटल वाइब्रेशन की मशीन को और टोटल वेट को सफर कर सकें, सहन कर सकें। तो ये लेग्स होते हैं बेसिक, जो बॉटम पार्ट है हमारी लेथ मशीन का। इनके ऊपर होती है ट्रे। जो ये ट्रे होती है ये क्या काम करती है? ये ट्रे हमारा चिप्स कलेक्ट करने का काम करती है। चिप्स क्या होते हैं? चिप्स हमारे, जब हम लेथ मशीन के ऊपर वर्क करते हैं, टर्निंग प्रोसेस करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं, तो उससे जो मटेरियल रिमूव होता है उन मटेरियल को हम बोलते हैं चिप्स। वो बहुत ही गर्म होते हैं जब निकलते हैं, तो उनको कलेक्ट करने का काम हमारा ये ट्रे करती है। ये ट्रे हमारा उन चिप्स को बिखरने से रोकती है और एक जगह उनको कलेक्ट कर लेती है। फिर आता है हमारा बेड। ये है बेड, ये हमारा लेथ मशीन का बेड होता है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इस बेड को चूज किया जाता है। हमें लेथ मशीन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ये जो बेड है लेथ मशीन का ये चूज किया जाता है। ये जो लेथ बेड होता है ये हमारा कास्ट आयरन से बना होता है, क्योंकि इसकी हाई वियर रेजिस्टेंस है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो इसलिए हम इसे कास्ट आयरन का चूज करते हैं। ये भी कास्टिंग के थ्रू ही बनता है। सिंगल कास्टिंग के दौरान ही हम इसका एक पूरा पीस तैयार करते हैं। अगर हमारी बड़ी लेथ मशीन है तो उसके जो दो या तीन पीस बनते हैं उनको बाद में बोल्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो जनरली छोटी मशीन है तो जो ये पूरा पीस है उसको एक ही ऑपरेशन में कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है। ये पूरा एक ही पीस होता है। इस बेड के पास यहाँ पे हमारा होता है फीड बॉक्स। फीड बॉक्स हमारा दो चीजों से कनेक्ट होता है। एक तो हमारा लीड स्क्रू है और एक फीड रोड है। ये जो रोड है थ्रेडेड रोड है, इसको हम लीड स्क्रू बोलते हैं। इसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं। और जो ये नीचे है ये हमारी सिलेंड्रिकल रोड होती है। सिलेंड्रिकल रोड हम इसको फीड रोड बोलते हैं। ये दोनों ही हमारे एक साथ वर्क करते हैं और कैरिएज को संभालते हैं। कैरिएज हमारा जो टूल को मूवमेंट देता है आगे पीछे, तो ये दोनों हमारे फीड करने के काम आती हैं टूल को चक की तरफ। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है हेड स्टोक। हेड स्टोक क्या होता है? हेड स्टोक के अंदर सारी गियर अरेंजमेंट होती है। जो भी हमारा गियर है, चाहे वो फ्रंट गियर हो, चाहे वो बैक गियर हो, चाहे कोई पुली हो, सारा गियर अरेंजमेंट इस हेड स्टोक के अंदर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक लीवर होता है ड्राइविंग क्लच का। ये जो ड्राइविंग क्लच का लीवर है ये हमारा गियर्स और स्पिंडल के साथ एंगेज और डिसएंगेज करने के काम आता है। ये क्लच है, क्लच हमारा एंगेज करता है और डिसएंगेज करता है मोशन को। स्टार्टिंग में ये इसको डिसएंगेज रखता है मोशन को स्पिंडल के साथ, और जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्लच उसे एंगेज कर देता है स्पिंडल के साथ और स्पिंडल हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये है स्पिंडल और ये है चक। जो ये स्पिंडल है ये अंदर से होलो और उसके अंदर थ्रेड कटे होते हैं। इसी तरह से जो हमारा चक है इसके बाहर एक रोड लगी होती है और उसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं, तो ये दोनों हमारे एक नट और बोल्ट की तरह भी फिट हो सकते हैं। तो अच्छी तरह से टाइट होने के बाद ये एक असेंबली बन जाती है। जो ये चक होता है ये क्या काम करता है? जो ये चक है ये हमारा जॉब को होल्ड करने के काम आता है। चक हमारे पास दो तरह के होते हैं, थ्री जा चक और फोर जा चक। थ्री जा चक को हम यूनिवर्सल जा चक भी बोलते हैं,
क्योंकि अगर हम एक जा को टाइट करते हैं तो तीनों जा इकट्ठे मूव करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल जा चक। लेकिन मेनली ये सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के काम आता है। जो दूसरा टाइप है फोर जा चक, वो हमारा स्केयर जॉब को भी पकड़ सकता है, क्योंकि जो उसके जा हैं अलग अलग मूव करते हैं। अगर हम एक जा को टाइट करेंगे तो एक ही जा मूव करेगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि थ्री जा चक में सारे जा इकट्ठे मूव करते हैं, फोर जा चक में सारे जा अलग अलग मूव करते हैं। इनके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे टेल स्ट्रोक होता है। टेल स्ट्रोक भी हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। टेल स्ट्रोक हमारा चक की तरफ मूव कर सकता है, ये गाइड बेस के ऊपर चलता है और चक की तरफ मूव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि कोई अगर हमारे पास वर्किंग के लिए लंबी रोड है तो उस रोड को ये सपोर्ट करता है, ताकि हमारी जो रोड है वर्किंग के दौरान बेंड ना हो, उसके अंदर बेंडिंग ना आए, तो इसके लिए ये यूज करते हैं। इस कॉर्नर को हम डेड सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे हमें कोई मोशन प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन अगर हम यहाँ एक ड्राइविंग प्लेट लगाएं और इसी तरह का कॉर्नर इस तरफ लगाएं तो उसको हम लाइव सेंटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मोशन मिलता है, यहाँ पे मोशन नहीं मिलता, तो इसलिए इसको डेड सेंटर बोलते हैं। और अगर इसी तरह का हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हम उसको लाइव सेंटर बोलेंगे। ये जो टेल स्टोक है हमारा, दो चीजें इस पे और लगी होती हैं, एक तो रैम क्लैंप और एक हैंड व्हील। ये जो हैंड व्हील है इसको हम जब घुमाते हैं तो ये जो कॉर्नर है डेड सेंटर है आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, बाहर और अंदर जाता है। रैम क्लैंप इसके काम आता है अगर हम उसको कहीं लॉक करना चाहते हैं तो ये हमारा छोटा सा लीवर उसको लॉक कर देता है। लेफ्ट हैंड साइड में हेड स्टॉक के पास हमारा मेन ड्राइविंग पुलीज होती हैं। जो मेन ड्राइविंग पुलीज हैं वो हमारी कनेक्ट होती हैं अंदर गियर बॉक्स के साथ। तो ये मेन ड्राइविंग पुलीज हैं जो मोटर के साथ कनेक्ट होती हैं। उसके बाद आता है कैरिएज। ये है कैरिएज। जो कैरिएज है हमारा पांच चीजों का बना होता है। उसके अंदर क्या क्या आता है? सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट और अपरन। ये पांचों चीजें मिलकर हमारा कैरिएज बनाती हैं। कैरिएज के ऊपर एक हैंड व्हील होता है जो हमारे कैरिएज को आगे और पीछे की तरफ मूव करवाता है, चक के साइड और इस साइड किसी भी तरफ। हम इसके थ्रू हम उसको मैन्युअली मूव करवा सकते हैं इस टोटल कैरिएज को। इस कैरिएज के ऊपर हमारा सैडल लगा होता है। यहाँ पे हमारा एक हाफ नट होता है जो ऑटोमेटिकली मोशन को कनेक्ट करने के काम आता है। अगर हम इसको अंगेज करते हैं तो इस लीड स्क्रू के साथ हमारा कैरिएज ऑटोमेटिकली अंगेज हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली ही आगे और पीछे मूव कर सकता है। तो हम इस कैरिएज को इस नट के थ्रू, हाफ नट के थ्रू ऑटोमेटिकली अंगेज कर सकते हैं, ताकि हमें मैनुअल फीड ना देनी पड़े। तो इस नट का जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली अंगेज करने के लिए है। जब हम कोई थ्रेड कटिंग करते हैं तो हम इस नट का यूज कर लेते हैं, ताकि हम मैन्युअली इस मोशन का यूज ना करें और एक्यूरेसी के साथ अपने थ्रेड को कट कर सकें। तो ये हाफ नट भी बोलते हैं और स्क्रू कटिंग अंगेज भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे है क्रॉस स्लाइड व्हील। सैडल के ऊपर हमारी क्रॉस स्लाइड लगी होती है। सैडल हमारा गाइड बेस के ऊपर होता है जो आगे और पीछे मूव करता है। उसके ऊपर हमारा क्रॉस स्लाइड लगी होती है। क्रॉस स्लाइड क्या है? जो परपेंडिकुलर चलेगी, जैसे आगे यहाँ पे अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करें तो वो फ्रंट और बैक की तरफ चलेगी। तो क्रॉस स्लाइड व्हील है जो क्रॉस स्लाइड को आगे और पीछे की तरफ मूव करवाता है, इसलिए हम इसे क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। तो ये हमारी क्रॉस स्लाइड होती है। क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमारी होती है कंपाउंड रेस्ट। ये है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्या काम करती है? वो टूल पोस्ट है जो हमारी, उसको सपोर्ट करती है। और इस कंपाउंड रेस्ट को हम किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो हम इस कंपाउंड स्लाइड का यूज करते हैं एंगल पे इसको घुमा के। तो ये कंपाउंड स्लाइड हम यूज करते हैं। अब कंपाउंड स्लाइड के ऊपर हमारी होती है टूल पोस्ट।
टूल पोस्ट क्या है? जिसके ऊपर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को टाइट करते हैं, वो है टूल पोस्ट। तो इस टूल पोस्ट के अंदर हम अपने टूल को टाइट कर सकते हैं। और लास्ट में है एप्रन। इस सारे को हम एप्रन बोल देते हैं, ताकि जो हमारी मूवमेंट है ऑपरेटर इसकी पहुंच में नहीं पहुंच पाता, तो इसको हम एक तरह का कवर मानते हैं, उसको हम एप्रन बोल देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारी लेथ मशीन के। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।